ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा बलिया के प्रत्याशी नीरज शेखर ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां पहले बहन के साथ दुष्कर्म और फिर पिता को जान से मारने की धमकी की खबर आई सामने, और सहारनपुर में यमुना नदी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा बलिया के प्रत्याशी नीरज शेखर ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय बलिया में कल बलिया लोकसभा में होने वाले मतदान के सहायता केंद्र एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य चुनावी तैयारियों का जायजा लेना और समस्त चुनावी प्रक्रियाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना था। श्री शेखर ने कंट्रोल रूम में उपस्थित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी कार्यों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी ना हो और मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार मामलों में ज्यादातर एसी वर्ग के महिलाओं का हनन हो रहा है। एससी एसटी की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक कृत्य के मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक और मामला सामने आया है। देवेंद्र कुमार अहिरवार ने बताया कि 2 माह पहले उसकी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों पर कार्यवाही हुई, परंतु पुलिस प्रशासन हर रोज देवेंद्र कुमार अहिरवार के घर जाती है। मामले को रफा दफा करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही देवेंद्र कुमार अहिरवार ने आरोप लगाया है कि उसके पिता 2 दिन से घर से गायब हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लगा है। कुछ दिनों पहले 8 से 10 लोगों ने पिताजी को घेरा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके 2 दिन बाद मेरे पिता घर से गायब हैं, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। देवेंद्र कुमार अहिरवार कहाँ रहने वाले? सेना का 4B। कहाँ पड़ता है ये? गाड़ा बारा उसके चीचली के पास में पड़ता है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्या पूरी घटना है? पूरी घटना सर ये है, हमारी बहन के साथ एक अनहोनी घटना घट गई है, तो सर पुलिस हमको प्रताड़ित कर रही हैगी। प्रतिदिन मतलब बुलाती है कि तुम ये करने आओ वो करने आओ, मतलब राजीनामा के ये प्रकरण रचे जा रहे हैं। नहीं तो जब आप शिकायत कराने गए तो उस समय पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस सर रात भर बैठा रहे रही हमको, सुबह 9-10 बजे FRI लिखी। मेडिकल वगैरह सब किया था सर। अब क्या कहना है पुलिस का? पुलिस सर हम लोगों को पड़तालित ज़्यादा कर रही, प्रतिदिन 1-2 दिन छोड़ कर हमारे घर जाती है, यहाँ इंक्वायरी के लिए चलो वहाँ चलो, 2-2.5 महीने से यही चल रहा सर। गिरफ्तारी हो गई आरोपी? हाँ सर गिरफ्तारी हो गई, वो तो बंद हैं। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं सर, ये थाने प्रभारी हैं ये 4-5 लोग, जो हम जो उनको हटाया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या के लिए तैयार। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर आरोपी को क्राइम ब्रांच द्वारा एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कट्टा 2 कारतूस बरामद है। राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार चुनाव के चक्कर में हथियारों की तस्करी रोकने की कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर से आरोपी अरबाज शेख को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। आरोपी के ऊपर पूर्व में भी अपराध दर्ज है। सर थाना क्राइम ब्रांच द्वारा सर एक हथियार तस्करी को पकड़ा है सर, क्या है पूरा मामला? लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को, विशेष रूप से क्राइम ब्रांच को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार का गंभीर अपराधी, कोई फरार वारंटी, फरार अपराधी जिला बदर स्वच्छंद रूप से भोपाल की सड़कों पर घूमते नहीं पाया जाना चाहिए, तथा ड्रग्स और अवैध शराब, अवैध आर्म्स, मादक पदार्थ, इनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ की जाए। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच भोपाल को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अरबाज शेख नाम का एक पुराना अपराधी इस समय गांधीनगर में है और हथियारों की तस्करी करता है और हथियार सप्लाई करने के लिए किसी बाहरी तस्कर का इंतज़ार कर रहा है। इसी सूचना से DCP क्राइम को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के पश्चात तो 2 टीमें बनाई गई और इस प्रकार मुखबिर की सूचना के आधार पर गांधीनगर क्षेत्र में रेड की गई, जहां आरोपी अरबाज शेख को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उसके कब्जे से 1 कंट्रीमेट कट्टा वो बरामद हुआ है, साथ ही 2 जीवित राउंड भी बरामद हुए हैं। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश देवानिया की रिपोर्ट।
विजय राघवगढ़ बंजारी में हजरत सिया पोष बाबा के दरबार में हर वर्ष उर्स मनाया जाता है। प्रथम दिन चादर पोशी, दूसरे व तीसरे दिन कव्वाली मुकाबला होता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी 31 मई को चादर पोशी की गई। सर्वप्रथम हजरत सिया पोष बाबा की चादर के साथ भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की उपस्थिति देखी गई। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने चादर को चूमते हुए माथा टेका। हर्षोल्लास के साथ जुलूस आज़ाद चौक, विजय राघवगढ़ से होते हुए अंधा मोड़ थाना चौक, संकट मोचन चौक होते हुए नदी पार से होते हुए बंजारी मजार पहुंची, जहां पर सभी ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए अमन शांति की दुआएं मांगी। 2 से 3 जून को उर्स पार्क में जोरदार कव्वालों द्वारा बेहतरीन मुकाबला होगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक होंगे, जिनके आतिथ्य में कार्यक्रम का आगाज होगा। कटनी से सीनू संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां यमुना नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। थाना गंगू क्षेत्र के कुंडा कला निवासी दोनों भाई यमुना नदी पार करते समय दोनों भाई डूब गए। 2 भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। 14 वर्षीय समद एवं 12 वर्षीय आहाहत दोनों भाइयों की मौत हो गई है। बता दें कि यमुना नदी पार कर खेतों में दोनों भाई जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद से है, जहां पुलिस ने पीड़ित पक्ष को चौकी बुलाकर की जमकर पिटाई। सिवारा चौकी इंचार्ज उदयवीर यादव पर पीड़ित ने लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित का परिवारीजनों से विवाद हुआ था। पीड़ित ने परिवारीजनों के खिलाफ चौकी में तहरीर दी थी। चौकी इंचार्ज ने दबंग पक्ष से सांठगांठ कर पीड़ित पक्ष को लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने चौकी सिवारा इंचार्ज उदयवीर यादव व एक सिपाही पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया है। मामला थाना कपिल क्षेत्र के ग्राम मिस्तनी का है। दादा, क्या नाम है आपका? आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हैं, क्या मामला है पूरा? दिवाली लाल नाम हमारा, और हमारा आपस में सुनील से काम झगड़ा हुआ था और पुलिस ने हमें खूब काम मारा पीटा। पुलिस ने क्यों मारा पीटा है आपको? किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? हमारा आपस में काम में झगड़ा हो गया था। ऐसे हम चचा भतीजे थे आपस में, वो हमें गाली देते, मैं उसको गाली देते थे, और उसने और इतने ही बात पे जो हमारे लोगों की काम उसी से हुई था, उसने हमारे साथ में पकड़ के चोट में तम बहुत कम लगी हुई। और मैं जो रिपोर्ट करने गए कंपनी थाने, तब पुलिस वाले अंदर के हमी को और गले पीटा। अच्छा, किस पुलिस वाले ने आपको मारा पीटा है? उदयवीर सिंह ने। अच्छा, कौन है वो उदयवीर सिंह? दरोगा जी हैं। अच्छा, फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर चंद्रभान में 2 दिन पहले मिले अज्ञात शव की पहचान करते हुए पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी। दोस्त ने पहले मृतक को फोन कर बुलाया और फिर सभी ने साथ बैठकर शराब ली। जब मृतक शराब के अत्यधिक नशे में हो गया तो आरोपी ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर तार से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी उसका शव लालपुर चंद्रभान गांव के समीप समय माता मंदिर के पास उसका शव फेंककर फरार हो गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पूरी वारदात की सिलसिलेवार जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवा देते हैं। देखिए, करीब 2 दिन पूर्व सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली नगर पुलिस को कि एक अज्ञात शव SCPM चौकी क्षेत्र में लिंक रोड के किनारे पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर मौका मुआयना किया गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस शव की शिनाख्त सूरज गुप्ता के रूप में हुई, जो रानी बाजार के निवासी हैं, थाना कोतवाली नगर के ही, और शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा इसमें SP पूर्वी और COCT के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस टीम और SOG टीम द्वारा भी इस घटना को अनावरण हेतु प्रयास किए गए थे, और इन्हीं सभी प्रयासों के क्रम में घटना का अनावरण करते हुए इस पूरी घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः राम नेवतिया और शिवा कनौजिया है, जो दोनों ही रानी बाजार के हैं। जो इसमें मुख्य आरोपी है राम नेवतिया, उसके द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि जो मृतक सूरज गुप्ता है उससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, और सूरज द्वारा जो मृतक है लगातार राम नेवतिया से पैसे का तगादा किया जा रहा था। इसका ऐसा आरोप है कि वो बढ़ाकर पैसे इससे मांग रहे थे ब्याज के रूप में, और लगातार इस बात को लेकर इनके मध्य कसीदगी बनी हुई।
गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। शाकंभरी मार्ग पर कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव भागुवाला के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने कमरे से टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस से सीएचसी बेहट पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सभी घायल थाना फतेहपुर क्षेत्र के कस्बा छुटमलपुर एवं उसके आसपास के गाँव के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान उर्फ शालू भी सीएचसी पहुंचे और घायलों का हाल जाना। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सीनियर्स भारत।